नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। हिमाचल में टेट परीक्षा को आजीवन मान्यता, कैबिनेट फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। महंगाई भत्ते के ऐलान से खुश नहीं हिमाचल के कर्मचारी, 6% डीए को बता रहे झुनझुना। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बिजली बोर्ड की लापरवाही से हुआ करोड़ों का नुकसान। हिमाचल में फिर डराने लगा कोरोना, मंडी, बिलासपुर और शिमला में हालात खतरनाक। सोमवार से कॉलेजों में सेकंड और फाइनल ईयर के नए सेशन शुरू, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। कांग्रेस में फिर फूटा पत्र बम, अब अध्यक्ष की शिकायत राहुल गांधी से। हिमाचल प्रदेश में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है जो टेट की परीक्षा के लिए बार बार तैयारी करते थे। अब सरकार ने फैसला लिया है कि टेट को अब आजीवन मान्यता मिलेगी। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद सोमवार को शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में टेट परीक्षा को आजीवन मान्यता मिल गई है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद सोमवार को शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए आदेशों में कहा गया है कि अब अभ्यर्थियों को हर 7 साल बाद टेट परीक्षा नहीं देनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की टेट को लेकर आयोजित अधिसूचना अब प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। सरकार ने टेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के परिणाम को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया गया है। राज्य में अब अगस्त 2011 के बाद टेट पास करने वाले युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। अभी तक टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था, इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री ने हालांकि 6% डीए की घोषणा करके कर्मचारियों का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन उनके इस तोहफे से कर्मचारी खुश नहीं है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि जो तय वित्तीय लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए था वो दिया जाए। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त जारी की, मगर इस किश्त से कर्मचारी वर्ग खुश नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों को रिवाइज्ड पे स्केल पर 11% तक डीए रिलीज किया गया, मगर प्रदेश सरकार ने मात्र 6% डीए रिलीज करने का ऐलान किया है, जिससे यहां के कर्मचारी नाराज हैं। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि जो तय वित्तीय लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए था वो दिया जाए। कर्मचारियों को 6% डीए जारी करने से सरकार को 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, मगर कर्मचारी वर्ग इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों को पहले ही 11% कम डीए दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अभी तक 35% डीए मिलना चाहिए था, मगर उसमें से 6% डीए ही दिया गया, जबकि 29% अभी भी देय है। ऐसे में कर्मचारियों को तोहफे जैसी कोई बात नहीं है। उनका कहना है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिवाइज्ड पे स्केल पर डीए दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल में अभी तक पे स्केल रिवाइज नहीं हुए। उसकी फाइल पर भी सरकार कुंडली मार कर बैठी है। बिजली क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर महालेखाकार ने बिजली बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिजली बोर्ड के गलत फैसलों और लापरवाही को करोड़ों रुपए के नुकसान का कारण बताया गया है। बिजली बोर्ड की 7 परियोजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे किए गए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश के महालेखाकार ने बिजली क्षेत्र में सरकार को हुए नुकसान को अपनी रिपोर्ट में इंगित किया है। खासकर बिजली बोर्ड के गलत फैसलों और लापरवाही को करोड़ों रुपए के नुकसान का कारण बताया गया है। बिजली बोर्ड की 7 परियोजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे किए गए हैं, जिसमें नुकसान के कारण भी बताए गए हैं। यह नुकसान लारजी बिजली प्रोजेक्ट भावा गिरी घानवी 1 गुम्मा रोंगटोंग व रुकती में हुआ है, जिस पर महालेखाकार की रिपोर्ट में टिप्पणियां की गई हैं। 126 मेगावाट की लारजी परियोजना में नए कचरा की सफाई मशीन की खरीद, वार्षिक रखरखाव और पानी के अधिक छोड़े जाने के कारण होने वाले नुकसान को इंगित किया गया है। वहीं 120 मेगावाट की भावा में
पुनरुद्धार कार्य के लिए भू क्षेत्र प्रदान करने में देरी, संचालन और रखरखाव के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुए नुकसान तथा ग्रिड की विफलता को सामने लाया गया है। इसी तरह से 60 मेगावाट की गिरी में अत्यधिक गाद और संशोधित रनर के कारण नुकसान हुआ है। हिमाचल में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, उससे आने वाले दिनों में दिक्कत आ सकती है। देखते हैं अभी क्या हालात हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है। यहां मंडी, बिलासपुर व शिमला में लगातार पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है। सोमवार को मंडी में पॉजिटिविटी रेट 13 से अधिक रहा। बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट 5.9% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शिमला में ये 5.6% तक चल रहा है। समूचे राज्य में पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो राज्य में पॉजिटिविटी रेट 3% चल रहा है। प्रदेश में मृत्यु दर 1.6% आंकी गई है। शिमला में सबसे ज्यादा 11.5% दर्ज की गई है। प्रदेश में संक्रमण बढ़ने के बाद मौतों के आंकड़े में भी बढ़ोतरी आने लगी है। राज्य में रोजाना 1 से 2 कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से प्रदेश फिर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा हो गया है। ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है कि हिमाचल प्रदेश में 18 से कम आयु के अभी भी 433 किशोर कोरोना संक्रमित हैं। इसमें सबसे ज्यादा चंबा जिला के 147 किशोर शामिल हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि इन बच्चों में से कोई भी गंभीर अवस्था में नहीं है। राज्य में कोरोना के कुल संक्रमितों की बात करें तो प्रदेश में वर्तमान में 2668 मरीज अभी इस महामारी की चपेट में हैं। प्रदेश भर के महाविद्यालयों में सोमवार से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं या नहीं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई सोमवार से शुरू हो गई। कोविड की वजह से इस बार भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने सभी प्रिंसिपल को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सेकंड और फाइनल ईयर के छात्रों को ऑनलाइन ग्रुप्स में जोड़ा जाए। वहीं ऑनलाइन क्लासेस के साथ ही छात्रों की हाजिरी भी लगाई जाए, ताकि पता चल सके कितने छात्र घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को भी बढ़ा दिया है। इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म अब 24 अगस्त तक जमा होंगे। इसके बाद 25 से 26 अगस्त तक मेरिट सूची जारी की जाएगी और 27, 28 और 31 अगस्त तक छात्रों को फीस जमा करनी होगी। हालांकि कोरोना की स्थिति के मद्देनजर प्रवेश शेड्यूल में बदलाव करने के लिए प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया गया है। कांग्रेस पार्टी में पत्र बम जारी करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक पत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी भेजा गया है। देखते हैं क्या खास है इस पत्र में। कांग्रेस पार्टी में पत्र बम जारी करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक पत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और सभी कार्यकर्ता इस वक्त सकते में पड़े हुए हैं। एक सशक्त नेतृत्व की मांग यहां पर की जा रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए किसी भी चुनाव में पार्टी को बढ़त नहीं मिली, क्योंकि कोई भी नेता उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। इनके पास अध्यक्ष बनने के पहले कुछ नहीं था, मगर अब दो दो नई गाड़ियां इनके पास हैं। इसके अलावा भी संपत्ति अर्जित करने के कथित आरोप लगाए गए हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इतनी अधिक संपत्ति रातों रात कहां से अर्जित कर ली गई, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि नेतृत्व परिवर्तन हिमाचल में कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि इससे पहले संगठन महासचिव के खिलाफ भी एक पत्र ऐसा ही जारी हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया था। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान मौसम फिर से रौद्र रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में 19 व 20 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य में 22 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय चटक धूप खिली रही। तेज धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तापमान में उछाल आने से प्रदेश में दिन के समय गर्मी का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक का इजाफा आया है। ऊना के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी आई है। तापमान में उछाल आने के बाद ऊना का पारा 36 डिग्री से पार हो गया है। चंबा, डलहौजी व केलांग के तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी आई है। बिलासपुर, कांगड़ा, सुंदरनगर व कल्पा में 1 डिग्री तक पारा बढ़ा है।
सोलन व हमीरपुर के तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। और अब चलते चलते चौपाल में टोंस नदी में गिरी सेब से लदी जीप, एक की मौके पर मौत, 2 सवार पानी में बहे। बिलासपुर के डियारा सेक्टर में बंदूक साफ करते गोली चलने से युवक घायल, आईजीएमसी में चल रहा इलाज। ठियोग के धरेज में 150 फुट नीचे गहरी खाई में गिरी कार, बाप बेटी की मौत, एक सवार की हालत गंभीर। बिलासपुर हमीरपुर में पाकिस्तानी गुब्बारे मिलने से लोगों में अफरा तफरी, पुलिस ने शुरू की छानबीन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना ना भूलें शिमला से 9:30 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।